अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शुएब और आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। यूट्यूब चैनल में, हमारे चैनल में हम आप लोगों को इंशाल्लाह फुल स्टिचिंग और फैब्रिक्स के बारे में कंप्लीट मालूमात देंगे और इंशाल्लाह आप लोग इनसे फ़ायदा उठाओगे। तो स्टिचिंग के लिए सबसे ज़रूरी है, सबसे अहम और सबसे जो ज़रूरी है वो है माप लेना, कि पहले आपको माप लेना आना चाहिए कि माप किस तरह लिया जाता है। तो माप लेने के लिए हम जो है ना माप ले लेते हैं, हमारे पास अमीन भाई खड़े हैं, इसका माप ले लेते हैं आपको समझाने के लिए कि किस तरह माप लेना है। तो आप इसी तरीके से लिया करो, इंशाल्लाह आप लोगों को इससे बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, आप लोगों ने माप यहाँ से स्टार्ट करनी है, जहाँ से सिलाई लगी हुई है, इस यहाँ से पकड़ के ना आपने बिल्कुल यहाँ सेंटर में माप लेनी है, बिल्कुल कमीज़ के सेंटर से, साइडों से नहीं, सेंटर से ही लेनी है। ये सेंटर में हमारा आ रहा है 42। अच्छा, इसके बाद हमने लेना है शोल्डर, शोल्डर का माप। तो शोल्डर के माप के लिए ये कॉर्नरों पे, कॉर्नर पे, उस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक शोल्डर के ये हमारा आ रहा है 18। तो ये आपने जो है ना ये शोल्डर बिल्कुल एज पे रखनी है, ये शोल्डर इतनी नीचे गिरानी नहीं है, सही है। ये आ गया हमारा 18 शोल्डर। उसके बाद हमने लेनी है आस्तीन की माप। तो आस्तीन जहाँ से आपने शोल्डर माप लिया था वहाँ से आपने आस्तीन मापनी, लेकिन आस्तीन आपने इस तरीके से मापनी। इस तरीके से मापोगे तो आपकी आस्तीन ना लंबी आएगी ना छोटी आएगी, ये बिल्कुल ये जो है ना ये यहाँ तक। तो ये हमारा आस्तीन आ रहा है 23 इंच। इसके बाद हमने लेना है गले का माप। तो गले का माप तो बिल्कुल सिंपल तरीके से लिया जाता है, ये जो है ना ये बिल्कुल सिर्फ एक उंगली का फासला आपने रखना है। तो ये हमारा आ रहा है 16 इंच। इसके बाद हमने लेना है गोल चेस्ट का माप, ये बहुत ज़रूरी है, ये आप लोगों ने लाजमी लेनी है। ये हमारे गोल चेस्ट का माप आ गया 39। उसके बाद हमने लेनी है कमर की माप, कमर की माप हमारी आ रही है 38। तो ये दो चीज़ें हमारी हो गई। उसके बाद हमने लेनी है लूजिंग, लूजिंग आप कमीज़ भी किसी का माप सकते हो कि किसी का गिरा का ना, जिस जितना उसने कमीज़ पहना हो तो आप उसी हिसाब से उसकी लूजिंग बना सकते हो, उस हिसाब से आप उसकी लूजिंग बना सकते हो ना हो तो आप इस तरीके से आप ले सकते हो। ये जो है ना उसकी चेस्ट है अमीन भाई की 38। तो इसमें आप जो है ना अगर वो फिटिंग के हिसाब से पहन रहे तो आपने यहाँ पर इसमें सिर्फ 6 इंच प्लस करना है। 38 में 6 आप प्लस करोगे तो ये हमारा आ रहा है 38 और 6 44 आ रहा है। तो 44 के हिसाब से ये हमारी फिटिंग आ रही है, सही। ये हमारी फिटिंग अगर 44 के हिसाब से रखेंगे तो ये हमारी यूँ फिटिंग आएगी, ये हमारी फिटिंग की होगी, जो फिटिंग के हिसाब से पहनते हैं। थोड़ी लूज़ पहनते हैं तो उसको जो ना आप 8 इंच भी प्लस कर सकते हो। कोई होता है जो ज़्यादा खुले कपड़े पहनते हैं तो उसमें वो जितने उसने कपड़े पहने हों खुले उस हिसाब से आपने उसकी लूजिंग रखनी है। और हाँ, एक काम और करना है कि दामन में आपने इसमें 1 इंच अपनी तरफ से प्लस करना है। माना कि अगर ऊपर लूजिंग 24 है तो आपने नीचे दामन 25 रखना है। वो इस वजह से क्योंकि लोग जेबों में चीज़ें रखते हैं तो जो ना इस वजह से उसको 1 इंच हम एक्स्ट्रा दे देते हैं। ये हो गई हमारी कमीज़ की माप। उसके बाद हमारी है शलवार की माप। शलवार हमेशा आप लोग ऐसा किया करो, ग्राहक को इंची टेप पकड़ा दिया करो ताकि वो जहाँ पे भी शलवार बांधे तो उसको खुद ही पता होता है कि मैंने शलवार कहाँ पे बांधी हो। तो वहाँ पे पकड़ के उसके बाद आपने ये अंगूठे तक इसका माप रखना है। ये अंगूठे तक हमारा माप आ रहा है 39 इंच। उसके बाद हमने मापना है पांचा। पांचा यूँ गोल करके आप इंची टेप घुमा लो तो ये हमारा आ रहा है 17 17 का आप, हमारा हो गया 8.5 इंच। ये तो हमारी हो गई नॉर्मल माप। उसके बाद ये फ्रंट पट्टी, ये मापनी है। फ्रंट पट्टी माप जो ना लोग यहाँ से लेते हैं लेकिन हम यहाँ से नहीं लेते, इसमें जो ना थोड़ा 19-20 फर्क आ जाता है, हम यहाँ से माप लेते हैं। ये आपने यहाँ पे इंची टेप रखना है जहाँ से आपने कमीज़ की लंबाई ली थी और ये आपने यहाँ तक रखना है, सही। ये हमारी पट्टी आ गई 16 इंच ऊपर से, सही। और इसकी कटिंग जो है ना, जब हम कटिंग करेंगे तो मैं आपको समझा दूंगा कि ये पट्टी आपने फिक्स इतनी तैयार कैसे रखनी है, उसको किस हिसाब से काटना है ताकि आपकी ये पट्टी बिल्कुल इतनी ही फिक्स आए जितनी ये है। उसके बाद आपने जो है ना कस्टमर की ये पट्टी की फरमाइश पूछनी है कि ये पट्टी आपने कितनी रखनी है, इसको इंच रखना है, 1.25 इंच आपने रखना है, 0.5 इंच रखना है, 1.25 इंच रखना है, 1.5 इंच रखना है, वो कस्टमर की फरमाइश होती है। उसके अलावा हम जो अपनी अपनी माप में लेते हैं,
हमारी अपनी माप, हम जो है ना तख्ती का माप लाजमी लेते हैं, ये तख्ती का माप बिल्कुल लाजमी लिया करो, इसमें ये होगा कि आपका तुक्का नहीं, बिल्कुल परफेक्ट काम होगा, ये आपने लाजमी मापनी है। अच्छा, ये हो गए तख्ती का माप। उसके बाद आपने जो है ना एल्बो, ये लाजमी मापना है, ये एल्बो, एल्बो का माप आपने लाजमी रखना है। एल्बो ये जो है ना, ये हमारा आ रहा है 11.5, इसमें आप 1 इंच भी जो है ना ऐड कर सकते हो, 2 इंच तक भी ऐड कर सकते हो। कोई कहता है कि मैं कुल्ला पहनता हूँ तो उसका 2 इंच ऐड कर दो, कहता है कि जो ना मैं थोड़ा ज़्यादा कुल्ला पहनता हूँ तो उसका आप 3 इंच ऐड कर दो, इतना कुल्ला आ जाएगा। या जो ज़्यादा फिटिंग वाले हैं उसका जो है ना, उसका हम 1 इंच ही ऐड कर देते हैं, इतना ही कुल्ला है उसको रख देते हैं, ताकि यहाँ से उठाने में उसको परेशानी ना हो, यहाँ से उठाने में वज़ू के लिए या किसी और उसके लिए ज़रूरत के लिए यहाँ से आसानी से उठाया जा सके। तो ये माप आपने लाजमी लेनी है। तो ये हो गई हमारी आज की माप, इंशाल्लाह बाकी जो है ना नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर देना, और हो सके तो आगे शेयर कर देना, ताकि कोई ना कोई हमसे कुछ ना कुछ सीख ले। तो अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा।